देखा जाए, पहचाना जाए और सराहना की जाए। महिमा का कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लिखा है, कभी कभी ग्रे हो जाता है, गालियाँ बहुत पड़ती हैं, अच्छा भी लगता है उसका एक ही मतलब जब वो गालियाँ पड़ती हैं तो एक चीज़ पक्का मालूम है कि लोग देख रहे हैं, तभी उन्हें वो ट्रैक पसंद नहीं आ रहा है। सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग। और ये रिश्ता मतलब द लॉन्गेस्ट रनिंग शो ऑन इंडियन टेलीविजन, वो किसी के पोर्टफोलियो में या उनके बॉडी ऑफ वर्क में इंक्लूडेड हो, आई डोंट थिंक वी कैन, एन एक्टर कैन आस्क फॉर मोर देन दैट। आई थिंक दैट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग। थैंक यू। दिस इज़ अ वेरी बिग अवार्ड एंड आई रिमेंबर जब मैं अशोका करता था तो अशोका के लिए मुझे सबसे पहला अवार्ड मिला था, टेली अवार्ड। तो बहुत अच्छी मेमरीज है मेरी इस फंक्शन के साथ, इस अवार्ड के साथ। सो आई एम रियली हैप्पी टुडे दैट आज भी मुझे इन्वाइट किया गया इस अवार्ड के लिए। आई एम रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। Well, I'm really happy. जैसे कि अभी आपने कहा, I've become a buzz of the town. So I'm really happy with that. And जो मेरी फिल्म आई है, अभी मैं बॉलीवुड में एंटर किया हूँ, जस्ट अभी मेरी नई जर्नी शुरू हुई है। सो आई एम रियली हैप्पी, बहुत ज़्यादा मैं ग्रेटफुल हूँ आप सबके लिए भी, कितने आप लोगों ने मुझे ब्लेसिंग्स दिए, सपोर्ट दिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस की जो फिल्म है मेरी, किसी का भाई किसी की जान, इट्स डूइंग रियली गुड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है एंड सबको फिल्म बहुत पसंद आ रही है। उससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। सर देखिए, हम जब फिल्म बनाते हैं तो हम ये सोच के नहीं बनाते हैं कि कितना कमाएगी भी या नहीं कमाएगी। हम एक थॉट के साथ बनाते हैं और वहाँ पे सिर्फ एक्टर्स नहीं, 200-300 लोग की यूनिट जो होती है, सब लोग मिल के हार्डवर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। एक हार्डवर्क के बाद एक फिल्म बनती है एंड मिक्स रिव्यूज़ आते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सबको हर चीज़ पसंद आए, कुछ लोग को पसंद आती है, कुछ लोग को नहीं आती। बट अभी तक जितना ही मैंने सुना है, people are loving this film, they are saying it's a family entertainment film, it's Salman Khan sir film. So Eid mein unhone apne jitne bhi fans hain unlo ke liye wo Eid hi leke aaye the and everybody is celebrating this film, so I'm really happy. dekhiye main abhi aisa koi khulasa nahi karunga, but there are few things, jaise hi wo कंफर्म होता है मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगा। थैंक यू। हाय एवरीवन, थैंक यू। आई थिंक उन्होंने हमेशा मेरे लिए बहुत कुछ खास किया है। मोस्ट ऑफ माई न्यूज़ एंड ऑल ऑफ दैट हैज़ यू नो बीन कवर्ड बाई देम सो ब्यूटिफुली। एंड आई थिंक हम सब एक फैमिली जैसे ही बन गए हैं, बिकॉज यू नो रेगुलरली हम काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत बार मुझे सपोर्ट किया है मेरे काम में, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर एक्चुअली। सो इट्स वंडरफुल, आई एम हियर जस्ट टू एंजॉय द इवनिंग। सो From my side, I don't think I want to talk about something before it happening. So I think जैसे ही होगा सबसे पहले आप लोग ही कवर कर लोगे, टेली चक्कर ही कवर कर लेगा। सो या बट एज ऑफ नाउ वट एवर आई एम डूइंग, जो मैं कर रही हूँ उसको मैं फुल फोकस देना चाहती हूँ, विच इज माई शो। थैंक यू सो मच। मम्मी एक मिनट। हाँ जी,
थैंक यू। वो शर्मा शर्मा के कोने में जा रही हूँ जी। अवार्ड आज हमारा शो ले रहा है तो आई एम एक्चुअली आई एम हियर बिकॉज इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर माई सेल्फ सरगुन माई मदर सरगुन्स मम्मा आवर होल फैमिली बिकॉज उडारिया इज गेटिंग आई थिंक 3 or 4 अवार्ड्स टुडे सो विच वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ सो वी आर हियर फॉर दैट। बड़ी खुशी की बात होती है यार, जो हो रहा है वो इन्हीं के आशीर्वाद से ही हो रहा है, इनके आशीर्वाद से, मम्मा के आशीर्वाद से, that's how it's happening, so we owe everything to them. Sorry? There are things, yeah. It's all you'll... बस जा ही रहे, आ जा रहे हैं। सो या बाकी आप इनसे सुनिए। मतलब मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मेरा बेटा आज इतनी बुलंदियों को छू चुका है और अभी इसकी जो भी इच्छा हो और भी भगवान इसको अच्छा से अच्छा जो भी प्राप्त हो वो सब मिलता ही जाए इसकी इच्छा अनुसार और ऐसे ही आगे बढ़ता जाए, सबका सम्मान कर रखे, सबका इज्जत रखे। इसकी हर साइड से मुझे अच्छा लगता है। टिपिकल इंडियन मदर, इनके इनसे आप मेरे बारे में सरगुन के बारे में कुछ भी पूछेंगे इनको अच्छा ही लगेगा। थैंक यू वेरी मच। अवार्ड तो मिल नहीं रहा, कोई देने जाऊंगा फिर शायद कोई, अभी पता चलेगी ऊपर जाके कौन से टाइम पे पहुंचा हूं मैं। मैं तो सब कर रहा होता हूँ यार, ओटीटी टीवी एड फिल्म ये वो तो कहीं ना कहीं तो दिख ही जाता हूँ मैं। I think वो ये जो लास्ट साइको लवर टाइप्स मजा आता है मुझे, इसमें पूरा यूनिट लग जाता है जोर लगा के कि कुछ तो अलग होने वाला है, सो दैट्स फन ऑन टीवी आई थिंक साइको लवर। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, देते रहे और दे जितना भी दे खत्म नहीं होगा। मेरी तरफ से मैं आइटम नंबर करने वाली ऊपर जाके, आज मेरा डांस है, बहुत टाइम बाद आज मैं डांस करने वाली हूँ ऊपर।
Yes, I have a performance upstairs. नहीं नहीं ये दर्शकों के लिए सरप्राइज है कि मेरा परफॉर्मेंस क्या होने वाला है ऊपर. They have to come and see. यार एवरीथिंग इज गोइंग सो स्मूथ. हम लोग बीच में बहुत ही एक क्राइसिस से गुजरे थे जब टेलीविजन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा यू नो श्रिंक होने वाली थी, लेकिन वी हैव बाउंस बैक एंड वी आर डूइंग फाइन एंड ऑल द शोज आर कमिंग, न्यू शोज आर कमिंग, बहुत सारी चीजें आ रही है एंड ये दस्तूर है, पुराना जाता है नया आता है. आई थिंक दिस इज फैंटास्टिक. आई लव माय टेलीविजन इंडस्ट्री वेरी मच. थैंक यू सो मच.